admissions? No, na? You don't have. What? Good evening. Apprehensive? Yeah. The thing is that we have seen you part of GK before. What is so special which makes you... Wait, why are you apprehensive? Yeah, we were coming, we were thinking you will close first and then come to the line. You have been to the GK before. Yeah. What's so special makes GK the brand? They got good style. Me? I don't have a clue. Anybody? In my terms? I really don't know. Thanks, guys. क्या करें? We all love you, ना? जब तक आप चीज़ें इधर नहीं करोगी हमारी कैमरे पे तो कैसे शाम बनेगी क्या डोंट रोल इट व्हाट्स अप गाइस हेलो हेलो कैसे हैं आप यस आई हैव बीन टू जीक्यू बिफोर बट इट्स ऑलवेज फन टू कम बैक टू जीक्यू इट्स आई थिंक वन ऑफ द कूलेस्ट पब्लिकेशंस एंड मैगजीन्स गोइंग अराउंड जी बिल्कुल आज ये मेरा थोड़ा खास सा एफर्ट है फैशन की दुनिया में मुझे फैशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में सबसे बड़े पोल्यूटेंट्स में से एक है और अब चूंकि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस और प्रदूषण की इतनी बात हो रही है मुझे लगा कि हम सबको अपना अपने पर्सनल लाइफ में एक छोटा सा एफर्ट करना चाहिए कि हम कम प्रदूषण फैलाएँ और कंजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा करें तो आज मैंने और मेरी स्टाइलिस्ट दिव्या सैनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया किया मेरी नानी गुजरी हुई नानी लेट एंड वेरी बिलव्ड ग्रैंड मदर उनकी ये साड़ी है जिसको मैंने सूट पैंट सूट बना दिया है एज एन अटेम्प्ट एट रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग ओल्ड क्लोथ्स एंड जस्ट टू पुट अ मैसेज आउट देयर कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सारे पुराने कपड़े फेंकते रहें और नए चीज़ें खरीदते रहें वो सारा कंजम्पशन और वो सब यू कैन बी इमेजिनेटिव एंड यू कैन डू रियली इंटरेस्टिंग एंड कूल थिंग्स इनोवेटिव थिंग्स विद योर ओल्ड क्लोथ्स दैट कैन ऑल्सो मेक एन इम्पैक्ट टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड कंजर्विंग आवर प्लैनेट नहीं कुछ संदेश बहुत गहरे भी नहीं होते लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा गहरा बना देते हो अपने हेडलाइन दे दे के तो मैं क्या कर सकती हूँ आधा मेरा काम आप ही कर लेते हैं थैंक यू दिस इज़ या डेफिनेटली आई थिंक हम जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सब अपने ही जीवन में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं तो आई थिंक दैट वी कैन ऑल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द प्लैनेट थैंक यू थैंक यू Now what? Okay.
आई थिंक द इवनिंग इज ऑलवेज डैजलिंग इज स्पेक्टेकुलर. मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा शेह साहब को कि शेह कुरियन मेरे बहुत ही करीबी एक मित्र भी हैं, मगर जिस किस्म से और किस पैमाने पे ये हमेशा एक इवेंट करते हैं, मैं खुद भी चकाचौंध रह जाता हूँ उनके इस ग्लैमर एंड ग्लिटरार्ट इवेंट से. इस साल के आई थिंक बहुत सारे जो हैं हकदार हैं इस अवार्ड के. मैं ज़्यादातर आई थिंक, बट मेरे लिए ख़ास तौर पे शायद आयुष्मान रहेगा, क्योंकि आयुष्मान ने लगातार बहुत अच्छी फिल्में की हैं, बहुत ही हटके फिल्में की हैं, तो मेरे लिए. और फिर साथ साथ उनका स्टाइल क्वेश्चन हमेशा देखने को आ रहा है कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं. शाहिद है, सारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि इस अवार्ड के हकदार हैं. Hi, how are you, bro? I think so, because I think that's a very valid question for you to ask, actually. Personally, I think the moment you speak of style or beauty, it's synonymous with female. It's synonymous with women, you know, and automatically they are glorified to that level. Not that, and most of the time I have realized that people generally have this perception that men don't take care of their style quotient or of themselves, or they don't really care, because that's a perception that's been carrying on for I don't know how many hundreds of years, you know. But I think this is a great platform for men to also kind of stand out and have that X factor coming out and saying, okay, no, you know, guys, we do take care of ourselves too. I think, yeah. मेरा मानना है कि अगर इवेंट ऐसा है जहाँ आपको ड्रेस होके जाना होता है, आप जाइए, क्योंकि वो एक किस्म से आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं. अब मैं नहीं मानता हूँ कि अगर रेड कार्पेट का इवेंट है तो मैं चप्पल पहन के आ जाऊँ. आई डोंट डू दैट. आई जनरली डोंट लाइक, आई लाइक ड्रेसिंग अप फॉर द ओकेजन, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट गिव्स रिस्पेक्ट टू दोज पीपल हु ऑर्गेनाइज द इवेंट. सो यू विल नेवर फाइंड मी इन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स अनलेस गॉड फॉरबिड देयर इज एन इशू विद माई फुट और इफ आई हैव गॉट अ यू नो इन ग्रोथ और समथिंग हैपनिंग, बट अदर देन दैट आई लाइक ड्रेसिंग फॉर द इवेंट. जी जी हाँ जी हाँ, बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि पहली बार एक एक्टर के किरदार से थोड़ा हट के प्रोड्यूसर भी, राइटर भी, और एक भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई का एक रोल जो है, एक पिता समान रोल जो मैं मेरे छोटे भाई के लिए निभा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली फिल्म नमन की है. कोइंसिडेंटली आज के दिन एग्जैक्टली 12 साल पहले मेरी जॉनी गद्दार फिल्म रिलीज़ हुई थी, 28 सितंबर. टुडे 12 इयर्स अगो जॉनी गद्दार रिलीज. सो फॉर मी ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट. वी वांटेड टू डू इट ऑन 28th द ट्रेलर लॉन्च, बट देयर वर टू मेनी थिंग्स. यू ऑल वर वेरी बिजी, एवरीवन
was busy, so the marketing heads decided to push it by 2 days. But it means a lot, and very excited. He's done a fantastic job. I've seen the film, I've seen the trailer. I think that it'll leave a mark. I think it'll definitely create some impression. Each asset that's coming out is pretty interesting. Right. Sorry, I had some. Yeah. Oh, I'm extremely happy. I'll tell you why. Because it's also pushing the envelope. First of all, to make a film that caters to all the languages in India, to have artists across borders all coming together and making one consolidated film, it's the need of the hour. I've been trying to do it for the longest time. I crossed over. I did a film called Kathi. I did Kavacham. So as an actor, you can't have barriers. As filmmakers, we can't have barriers no more. India is a great country, but it's got multiple languages, multiple cinemas. So to get all these, you know, business point of view, if you're talking about cinema, you need entertainment, and we have the same culture. There's no difference in the culture. So I think in that retrospect, the way Sujit has executed the film, it was phenomenal. Technically, I might want to speak that it's one of the finest films as far as technicalities are concerned. There are a few nuances that somebody might have felt that, you know, wish the story length was crisper, maybe if the story was slightly more, you know, clear for us to understand. But there were subtle nuances throughout the film, if one watches carefully, that you connect each and everything. He left all the dots to be followed. Some get it, some don't. But I think it's very gutsy to go out there and make a film which is so, so well executed on a technical level. I think it's, you know, a chip on his shoulder for sure. And it's a pat on his back for just giving that to Indian cinema. Yeah. Thank you. Hanji, I'll see you on Monday. Pray for us, yeah. And all support we need. Thank you. Thank you. Thank you. And it's always lovely to be here and get a chance to interact with everyone. And Che and the whole team of GQ are dear friends, and it's great to be here and just kind of be with everyone for the evening. Yeah. You know, I think
think the best qualities to me that GQ stands for is they celebrate individuality and they celebrate the uniqueness in everyone. And I think that's what's really attractive in a man, is someone who accepts who they are, someone who's not trying to be anyone else, have any pretenses, but someone who is comfortable in their own skin, someone who has integrity, someone who has charm, who has wit, but most important, I think, is that that person is comfortable in their own skin. After being awarded for your work and everything, everyone which is exemplary and has always been told is that you are hardworking. Yes. Immensely hardworking. And then, it's coming from Mr. Salman Khan. Like, he gives example of how hardworking you have been. I think for me, the way that I approach my work is just from sheer love of my job and sheer love of what I do. And I love the profession that I'm in. And the way that I work, just it comes from my heart. There's no thought behind it. There's no strategy. It's just I want to be where I am. I enjoy being on every film. I enjoy being on every set. And that's really where my life is. And it's all about the work that we create. Well, thank you so much. Thank you.